हेलो गाइस, दिस इज स्वप्निल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल राइडर इन द सिटी। आप सबको तो पता है कि लॉकडाउन 4 स्टार्ट हो चुका है। जो लोग अपने अपने घर पे जाना चाहते थे या गांव जाना चाहते थे, गवर्नमेंट ने उन लोगों को परमिशन, अगर वैलिड रीज़न होगा तो गवर्नमेंट उन लोगों को अलाउ कर रही है अपने अपने गाँव या घर जाने के लिए। तो मैं सबसे इतना ही कहूँगा गाइस कि प्लीज़ पूरे प्रिकॉशन और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ट्रैवल करो एंड अपने और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखो। एंड जो गवर्नमेंट ने क्वारंटाइन रिलेटेड जो भी रूल्स आपको बताए या जो भी रेस्ट्रिक्शंस रखे, प्लीज़ उसको फॉलो करिए। वैसे आप सबको तो पता ही है कि अभी लॉकडाउन में मैंने थोड़ा गेमिंग वगैरह भी स्टार्ट कर दिया है टाइम पास के लिए। तो मैं ये वाले लैपटॉप पे गेम खेलता हूँ, बट जब मैंने स्टार्ट किया था पबजी वगैरह खेलना, बिगनिंग में तो मैं इसी लैपटॉप पे ही खेलता था, मतलब अभी भी लैपटॉप पे ही खेलता हूँ। बट ये जो लैपटॉप का जो कीबोर्ड होता है, इसके साथ गेम खेलना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हम गेम खेलते टाइम अग्रेशन में आके खट 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 करते हैं, तो ये कीज़ जो है वो डे टू डे रूटीन वर्क के लिए बने, इतना इंटेंस यूज़ के लिए नहीं बने, नहीं तो ये कीबोर्ड ख़राब हो जाएगा। एंड ये ट्रैक पैड पे तो पबजी बिल्कुल भी नहीं खेल सकते, उसके लिए एक्चुअल माउस ही चाहिए। मैं एक माउस खरीदने का सोच रहा था, देन आई थॉट कि ये कीबोर्ड पे गेम खेल के इसको ख़राब करने से बेटर है मैं एक दूसरा कीबोर्ड ही लेके आता हूँ, या फिर कोई कॉम्बो ऑफर मिला तो वो खरीद लूंगा। देन मेरे एक फ्रेंड है सुदीप करके, जिनका यूट्यूब चैनल भी है सुदीप आईएनसी, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि टैग का एक गेमिंग का कॉम्बो होता है, वो बहुत ही अच्छा है। तो मैंने जाके वो खरीदा, तो जिस दिन मैं लेके आया था उसी दिन मैं अनबॉक्सिंग करने वाला था एंड वो वीडियो भी डालने वाला था, बट देन आई थॉट कि पहले मैं इसको यूज करके देखता हूँ, अगर मुझे अच्छा लगा तो ही मैं इसका रिव्यू वीडियो अपलोड करूंगा। तो यस, आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं टैग के गेमिंग कॉम्बो के बारे में। तो इसको रखते हैं साइड में और करते हैं इसके बारे में बात। तो ये है टैग का गेमिंग कॉम्बो किट, जो है एवेंजर सीरीज का। टैग स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी एंड गैजेट्स। तो ये है इसका बॉक्स, यहाँ पे ऊपर इसकी ब्रांडिंग है, दैट इज टैग टेक्नोलॉजी एंड गैजेट्स। देन यहाँ पे सीरीज है गेमिंग एवेंजर कॉम्बो किट। एंड ये ऐसा कुछ कीबोर्ड का डिज़ाइन, कीबोर्ड और माउस का डिज़ाइन है। एक्चुअली ये ब्लैक एंड गोल्ड कॉम्बिनेशन में है, एंड देन उसका दूसरा कॉम्बिनेशन है दैट इज़ कम्प्लीटली ब्लैक। तो जो हमने खरीदा है वो ब्लैक एडिशन वाला है, एंड जब मैं खरीदने गया था तब वहाँ पे सिर्फ एक ही कलर का अवेलेबल था। एंड देन यहाँ पे कुछ इसके डिटेल्स दिए गए, जैसे कीबोर्ड के बारे में कुछ डिटेल्स है, एंड देन माउस के बारे में कुछ डिटेल्स, वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगा। तो अभी अगर बॉक्स खोलेंगे तो बॉक्स में तो वैसे कुछ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो सीधा चलते हैं कीबोर्ड और माउस की तरफ। तो ये है इसका कीबोर्ड, बहुत ही स्टाइलिश सा लुक है। यहाँ पे साइड में इसका जो ये मेटल का ग्रिप है, ये बहुत ही प्रीमियम लुक देता है इसको, एंड बहुत ही मजबूत है। और यहाँ पे इसको साइड में हैंडल है, ये पता नहीं क्यों है बट ये दिखने में बहुत अच्छा दिखता है। और इसका माउस अगर आप देखोगे जिस प्राइस रेंज में ये आ रहा है, इसका जो लुक है, आप बिलीव नहीं करोगे कि इसका प्राइस एग्जैक्टली क्या होगा। तो ये तो हो गए इसके बेसिक फीचर्स, बट आप सब लोग जिस चीज का वेट कर रहे थे, इसका बैकलाइट। यस, यू आर राइट। सो लेट्स चेंज इट टू नाइट मोड। लुक हाउ कूल इज दिस। तो फटाफट बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। जो कीबोर्ड का बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है, जैसे कि मैंने बताया कि इसके साइड में मेटल का पैनल है जो इसको बहुत ही प्रीमियम और रिजिड लुक देता है। देन इसके कीज़ की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है एंड बहुत ही मजबूत है। देन उसका जो माउस है, माउस का जो डिज़ाइन है वो लिटरली इतना अच्छा है कि पूरे कॉम्बो किट का जितना प्राइस था, उतना प्राइस अगर मुझे माउस के लिए भी पे करना पड़ता तो भी मैं कर देता। एंड जस्ट लुक एट दिस, ये छोटा सा माउस नहीं दिखता, ये कार जैसा दिखता है। एंड मुझे बचपन से ही कार्स और बाइक्स का बहुत शौक है, तो ये मुझे बहुत पसंद आया था। तो जस्ट माउस का डिजाइन देख के मैंने पूरा कॉम्बो किट खरीदा था एक्चुअली। देन इसका वायर का जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छा, वायर का लेंथ भी बहुत अच्छा है एंड वायर का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। तो बात करते हैं इसके कॉन्स के बारे में। तो इसके जो कॉन्स है, एक्चुअली कॉन्स नहीं है बट ये चीजें अगर इसमें होती तो ये और भी अच्छा होता। कीबोर्ड के बारे में जो फर्स्ट चीज मैं बोलूंगा, इसका जो आरजीबी लाइटिंग है वो सिर्फ साइड से है, मतलब अगर आप रात को इसको यूज करोगे या गेम वगैरह खेलते हो तो इसके ऊपर जो अल्फाबेट्स है वो नहीं दिखते। इस चीज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर
आपका टाइपिंग अच्छा है तो ऑब्वियसली आपको वैसे भी कीज की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ती। बट कभी कभी जब आप गेम खेलते हो और आपके बटन इधर उधर होते हैं तो थोड़ा बहुत ढूंढना पड़ जाता है अंधेरे में। तो मैं आपको दो फोटोज के साथ कंपेयर करके बताता हूँ। तो ऊपर जो है वो मेरा लैपटॉप का कीबोर्ड है एंड देन ये गेमिंग कीबोर्ड है। तो यू कैन सी कि अंधेरे में इसका जो अल्फाबेट, इसके लैपटॉप पे जो अल्फाबेट्स है वो क्लियरली दिखते हैं बट इस पे नहीं दिखते। तो वो अगर होता तो फिर बहुत ही अच्छा होता। एंड माउस के बारे में जो कौन मुझे लगा एक्चुअली क्या बोले इसको, अभी कौन भी नहीं बोल सकते, बट ये चीज अगर होता तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता। इसका जो लाइट्स है वो चेंज होते रहते हैं बट किसी एक ही कॉम्बिनेशन पे हम लोग इसको फिक्स नहीं रख सकते। मतलब इस पे अगर कोई बटन होता जिससे हम लोग इसको फिक्स कर पाए तो बहुत ही अच्छा होता, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक कलर थीम इसमें आता है जो बहुत ही अच्छा दिखता है बट वो हम लोग सेट करके नहीं रख सकते, वो हमेशा चेंज होते रहता है एंड देन नेक्स्ट टाइम वो कब आएगा वो पता नहीं है। सो दैट्स द ओनली थिंग, अदरवाइज जिस प्राइस रेंज पे ये आ रहा है ट्रस्ट मी इट्स एक्चुअली वैल्यू फॉर मनी। सॉरी प्राइस रेंज से याद है कि मैंने तो एक्चुअली इसका प्राइस बताया नहीं। तो ये मैंने खरीदा था 1050 rupees में, मेरे लोकल स्टोर से खरीदा था बट ये शायद ऑनलाइन आपको मिल जाएगा 1000 rupees के आसपास ही। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। आज फर्स्ट टाइम मैंने किसी प्रोडक्ट का रिव्यू दिया है, तो अगर आपको ये रिव्यू वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके या कमेंट करके हमें बताओ कि आपको ये कैसा लगा। तो इन फ्यूचर आई ट्राई टू अपलोड मोर रिव्यू वीडियोज़। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे होम स्टे सेफ, बाय बाय।